कबीर संवत 2498 611 बुधवार तारीख 16/8/67 ना दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी नु श्री समयसार शास्त्र में निर्जराधि करना श्लोक 156 157 158 पर 16 प्रीम प्रवचन तरंग प्रवचन नंबर 309 नमो नोये सौरियंताणम नमो नोये सौरियंताणम नमो नुवि सौ आयुर्यान नमो नुवि सौ उज्जयनम नमो नुवि सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामद मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोक्ष मंगल नमः स्वानुभूत्यास्ते स्वभाय भवाय निराधिकार 156 कलश का भावार है। जो धर्मी उसको कहते हैं कि जिसको आत्मा में भावार है ना, सम्यक दृष्टि अथवा धर्मी इसको कहते हैं जिसको आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति का दृष्टि का अनुभव हुआ हो। समझ में आया? वो कोई दया के व्रत के भक्ति पालते हो तो धर्मी है, ऐसा उसका लक्षण नहीं। बराबर है। समझ में आया? भगवान तीर्थंकर देव उसको सम्यक दृष्टि अथवा धर्मी कहते हैं कि जिसको आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति अनंत गुण का शुद्ध स्वरूप पिंड उसका अंतर में अनुभव हो, आत्मा पवित्र शुद्ध है, राग से पृथक होकर स्वभाव से सन्मुख होकर स्वभाव की अनुभव दृष्टि करना, उसका नाम धर्म ने धर्मी कहने में आता है। धर्मी ने सुख दुख भोगना वेदना है कैसे कि आ जगत नी अंदर साता वेदनी पूर्व का पुण्य के कारण कुछ साता वेदनी से मिली सामग्री अनुकूल भाई आप धूल पैसा मेरा इच्छा केन बजा पूर्ण भाई बजा पैसा वाके मानसो પૈસા ની પાસે 25 લાખ છે, 50 લાખ છે, 1.5 લાખ જે હોય પાંદો વાળા, પણ માને છે ને લોકો કે છે કે સાતા વેદની થી મળ્યા જો સામગ્રી સ્ત્રી કુટુંબ પૈસા આબરૂ મકાન દાગીના દાળભાત શાક મોસંબી લાડવા એ સાતાવેદની થી મળેલી ચીજ અને અસાતાવેદની થી મળેલી ચીજ અસાતાવેદની છે દરિદ્રતા શરીરના રોગતા નિર્ધનતા પ્રતિકૂળ સ્ત્રી આદિ મિલના સબ અસાતાવેદની કે કારણ હૈ તો કહેતે હૈ સુખ દુઃખ ના ભોગના વેદના હૈ ओ साता साता मैं सन्मुख होकर मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ऐसी जो वेदना राग का करना उसका नाम वेदना कहने में आता। समझ में आया? ज्ञानी के अपने ज्ञान एकमात्र ज्ञान स्वरूप का वेदना है, उपभोग है। देखो जीवी बात से धर्मी भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप है, उस स्वरूप की अंतर्दृष्टि होने से ज्ञानी का तो ज्ञान का एक उपभोग है, एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ज्ञान जानन जानन आनंद शांति वही मेरा स्वरूप वही ज्ञानी का उपभोग है। भोगने की चीज ज्ञानी का अपनी निर्मल दशा है। समझ में आया कि पर सामग्री तो अज्ञानी भी भोग सकते नहीं, दाल भात लाडू स्त्री की से तो पर चीज है, उसको तो अज्ञानी भोग सकते हैं, पर वो तरफ का लक्ष्य करके रहरक शोक का वेदन करना
उस वेदना कहने में आती कि अज्ञानी हर क्षोभ का वेदन करते हैं। ये अज्ञान वेदना है। समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप होने पर भी जिसकी दृष्टि अपना शुद्ध स्वभाव का स्वीकार में नहीं है और पुण्यपाप हरक शोक का जो भाव हुआ ये विकृत परिणाम का स्वीकार है, उसको विकार की वेदना ही चीज है। समझ में आया? ज्ञानी का ये अपने ये ज्ञान मात्र, अपने ये ज्ञान मात्र पते, अपने ये ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है। मैं तो आनंद हूँ, ज्ञान हूँ, शांत हूँ, मेरा स्वरूप अविकारी स्वभाव से भरा पड़ा है। जो वितराग परमानंद परमात्मा की पूर्ण दिशा परमात्मा अरिहंत को हो गई, वो तो पूर्ण आनंद को भोगते हैं। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि साधक जीव धर्मात्मा इसको कहते हैं कि अपना शुद्ध वितरागी आनंद जो स्वभाव अंतर है उसकी शक्ति में से एकाकार होकर प्रकट करके एक ज्ञान आनंद का अनुभव, वही ज्ञानी की वेदना है। समझ में आया? वह पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता। क्योंकि भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति, पुण्य पाप का भाव विकार शरीर आदि जड़, तो ये जड़ से अजीव शरीर अजीव पैसा अजीव आदि अजीव है, पुद्गल है। तो पुद्गल से पुद्गल में मैं नहीं, मेरे में पुद्गल नहीं, और पुण्य पाप ने हरक शोक का भाव जो होता है विकार, ये विकार की कृत्रिमता वो मेरा स्वभाव में नहीं और मेरा स्वभाव उसमें नहीं। ऐसी अनुभव दृष्टि धर्मी की होने से धर्मी को तो वेदना शांति की ज्ञान का परिणमन की वेदना की है। जी उद्गल के होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता। वो शरीर आदि में दरिद्र हो, रोग हो, नरक में वेदना बाहर नहीं हो, पर वो पुद्गल की वेदना तो अपनी है नहीं, पर अपने में जरी जो राग आदि आ जाता है, ये पर राग की वेदना ये अपनी नहीं है, ये वेदना को वेदना ही नहीं समझते। समझ में आया? मार्ग ऐसा है, वितराग परमेश्वर ने कहा मार्ग ऐसा है कि लोगों ने सुनने में आया है, नहीं बाहर से मान ले हम धर्म करते, बापा धर्म ऐसा नहीं है। धर्म तो करने वाला तो भगवान का मार्ग में शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु आत्मा है, उसका अंतर्दृष्टि होने से स्वभाव सन्मुख का प्रयत्न में जो शांति ने ज्ञान का परिणमन हुआ वो ही धर्म की वेदना है। समझ में आया? जो पहली नरक में है श्रेणी का राजा छाई समकी थी भगवान के वक्त में, वो समकी पाया पहले पीछे तीर्थंगोत्र बांधे और आयुष बहुत था, नरक का तो घटा दिया, पहले बहुत आयुष बन दिया, साल साधु की आसना किया था महापवित्र, तो नरक का आयुष बन दिया था, पीछे आत्मज्ञान पाया सम्यक दर्शन पाया तो आयुष तोड़ दिया, 84,000 वर्ष के रह गया नरक में है। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की वेदना तो ज्ञान की वेदना है, इन नरक की वेदना है ही नहीं। और त्यां से निकल कर तीर्थंकर होगा आवती 24 में, जेवा महावीर भगवान था एवं क्षणिक राजा का जीव ज्ञान वेदन में है हम कहते हैं। अरे भाई भाई
भाव की वस्तु स्वभाव उसका जो अंतर अनुभव का स्वीकार हुआ, विभाव पुनपा विकल्प जो उठते हैं वो भी मेरे में नहीं जाना आदर न हुआ, क्या स्वभाव का सत्कार में तो स्वभाव की धारा ही वह है। यही बात है भाई, सम्यक दृष्टि जीव चाहे तो गृहस्थाश्रम में हो चौथे गुणस्थान के, चाहे तो शावक हो आप पंचम गुणस्थान, भाड़ा वाला बात नहीं चलती है। जिसको सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव है आत्मा कहो, ऐसी आत्मा की दृष्टि हुई है जिसको, समझ में आया। और मेरा आत्मा में तो शरीर कर्म तो नहीं, क्यों तो जड़ है, मैं तो चैतन्य आनंद हूँ और पुण्य पाप तो विकार है, मैं स्वभाव शुद्ध हूँ। ऐसी जिसको अंतर अनुभव की दृष्टि हुई, ज्ञानी को ज्ञान ही इसकी भोगने में आता है, समझ है ना। ना भोग तो पुण्य फल न थी यही पास है, ठीक है कैसे अब पुण्य फल भोगे कि नहीं, अब आप बता पैसा मिला गुण में नहीं, पांच पच्चीस लाख में क्या हजीरा मिला मकान में, बे पांच लाख में मकान में अपना धूल में तो पर है, ये क्या भोगने की चीज है, आत्मा उसको भोग सकते हैं, समझ में आया। अज्ञानी भोग सकते नहीं, अज्ञानी राग करते हैं, राग को भोगते हैं, मैंने ठीक है मैंने आ ठीक है ऐसा राग में इसको भोगते हैं, पर को क्या भोग रहे, समझ में आया। कुत्ता कुत्रा कुत्ता हो हाड़का को चावते हैं, हाड़का में लो खून नहीं है, ये हाड़का की कड़ी अपने दाद में बांधते हैं उसमें से खून निकलते उसको चाटते हैं, मानते हैं मैं हाड़का चौथा हो चाहता हूँ। ऐसे अज्ञानी स्त्री पैसों लक्ष्मी आबरू देखकर अपने में राग उत्पन्न करते हैं, ये राग का अनुभव करते हैं, पर का चित्त अनुभव करता समझ में आया। धर्मी धर्म किसको कहते हैं भाई, भगवान आत्मा स्वभाव से परा परा प्रभु, ऊपर दृष्टि करने से जो स्वभाव में शांति आनंद ने स्वच्छता पड़ी है वो प्रकट होती है, वो सब ज्ञान की दिशा है, राग की नहीं है। ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान का ही वेदन करता है, इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं। धर्मी को बात प्रतिकूलता मिलेगा क्या होगा, आलोक में परलोक में क्या दुख होगा, ऐसा धर्मी को भय है ही नहीं, समझ में आया। सदा निर्भय वर्ता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है। अरे वो चौथा बोध कहता नहीं हूँ, चौथो पहला ये आलोक भाई परलोक भाई गया ना वेदना में क्रम गया अर्थ था भाई 157 श्लोक। यत सत्नाशम उपेति तत्मनियतम व्यक्तते वस्तुतीति ज्ञानम सत स्वयं एव तत किल तत सातम किम अश्व परे अश्वत्राण भय मतो न किंचन भवेत तदवी कुतो ज्ञानिनो निशंक सततम स्वयं च सहजम ज्ञानम सदा विंदति। 157 नीचे जो सत है वो नष्ट नहीं होता, जो है उसका नाश कभी होता, इतना सिद्धांत पहले, जो सत है उसका नाश कैसे हो, है उसका नाश कैसे हो, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है, ऐसी वस्तु की मर्यादा प्रकट रूप से नियम से ऐसी वर्तती है ऐसा प्रकट है, सात वस्तु जो है उसका नाश कैसे हो। यह ज्ञान भी स्वयं में सत है, मैं आत्मा ज्ञान आनंद
स्वयं भी अपने से सतनाम हयाती धराते हैं, वो अपना स्वभाव कोई पर से हयाती धराते हैं। ऐसा मैं तो चैतन्य सूर्य जिसमें एकला चैतन्य प्रकाश है, आनंद मूर्ति आत्मा है, वो तो सत है, आत्मा सत है, ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, वो सत है। तो कहते हैं ज्ञान भी अपना सत स्वरूप है, ये अपना से स्वयं में सत है, कोई से बनाया नहीं, कोई से हुआ नहीं, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। मैं तो ज्ञान सूर्य चैतन्य हूँ, ऐसी धर्मी की दृष्टि होने से अपना ज्ञान की सतता का कभी नाश होता नहीं। वो कारण से पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा, समझ में आया भाई? कि मैं हूँ पर मेरी कोई रक्षा हो तो मेरे ठीक पड़े, नहीं तो मेरी रक्षा न हो तो मेरे अरक्षा का भय है। पर किसकी रक्षा, वही वस्तु की रक्षा किसकी, पर से रक्षा करना वो तो चीज है ही नहीं, समझ में आया? अरक्षा भय, कोई रक्षा है कि नहीं, रक्षा रक्षी की है सदा। ज्ञान सच्चिदानंद प्रभु शाश्वत है, चैतन्य सर्वज्ञ परमेश्वर है, शाश्वत वस्तु है, उसका अनुभव किया, समझ में आया? शाश्वत में हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, तो मेरा नाश कहाँ, और मेरा नाश नहीं तो मेरा रक्षण करना है, ऐसा मेरा है कहाँ, है उसका रक्षण कहा? नहीं पैसा पैसा रक्षण करो, ताला दे नहीं देगा तो पैसा ही मारा नहीं, हूं तो आत्मा ज्ञान तो समझ में आया? पैसा पैसा ताला मारे, ताला पैसा ने ताला मारे कि नहीं, हीरा भाई मारे तमे नो तो के तवा मारेली चीज है। मैं ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य ध्रुव वस्तु अनादि अनंत अकृत्रिम नहीं करायेली, ऐसा भगवान ज्ञान मूर्ति चैतन्य सूर्य ऐसा नैसा है, उसमें रक्षा कोई से हो तो रहे, न रहे नहीं तो न रहे, ऐसा है। समझ में आया? ताला जोड़ा नहीं तो ऊंची चीज है, ऊपरी से बोलो मगर फिर थी गो नाइन भाई ने भाई तो होता है अपने नहीं नाइन भाई विशाली दी थी पी अखीर थी गो ने थोड़ा साधु हवे ने क्या ले आवे रोटली चूरमू आयु होने चूरमू हाकर आदि पड़ी हो पी त्या खुल्लू मूक्यू मूक्यू हम तो लाइन मूठो भरी ली ખુલ્લું કેમ રાખ્યું મગર નથી રહેતો ને ખુલ્લું કેમ રાખ્યું ખુલ્લું રાત્રે મન થઈ જાય બીજાનું ઢાંકી રાખો દાબી રાખવું જોઈએ રક્ષા કરવી ના કેમ મગજ નથી થઈ ગયું સાબુ કે આવું કરે ભાઈ તો મગજ નથી રહું ન કરે એમ અહીં કે છે કે આપના સત્તા કી જિસકો ખબર નહીં કે મેરી રક્ષા કહાં સે તો હોગી એસા ચિંતા અજ્ઞાની કો હોતી मगज अथी रहे अपना स्वरूप की रक्षा पर से होती है, मैं ऐसा करू ऐसा करू ये सब अथी पागल है हम कहते हैं। भगवान की दृष्टि में तो ऐसा है, परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा वितरागदेव एनी वाणी में तो ऐसा आया, भगवान तू तो आत्मा है न प्रभु, तेरे में तो ज्ञान शांति अनंत गुण का पिंड पड़ा है तुम तो, और ऐसा भान हुआ तो सत है, उसका नाश कैसे होगा? मैं रक्षा करूं तो रहे न रक्षा करूं नाश हो जाए, ऐसी चीज है नहीं। समझ में आया? पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा, इस प्रकार ज्ञान निश्चय ही रक्षित है। देखो अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति तो अपने से रक्षित है, पर की रक्षा किए बिना अपने से रक्षित है, रक्षित है उसकी रक्षा करना उचित क्या जाएगी?
समझ में आया? इसलिए ज्ञान निषेध उसका किंचित मात्र भी आरक्षण नहीं हो सकता। वस्तु सत 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 शाश्वत है, आदि नहीं अंत नहीं, ध्रुव सत ज्ञान सत भाव सत स्वभाव सत। ऐसी जहां अनुभव दृष्टि हुई तो के मैं तो अरक्षित ही हूँ, मेरे में किंचित मात्र और रक्षित है ऐसी कोई चीज नहीं। समझ में आया? अब उसको निर्जरा होती है हम कहते हैं, ऐसे आप दृष्टिमन धर्म को धर्मी को निर्जरा होती है, ऐसे माने हम जाए भी ना आत्मा ना भानवी ना अपा करण तमन निर्जरा होती है, दूर में नहीं होती है हम कहते हैं भाई। अब भगवान एम फरमाते हैं, भाई तने खबर नहीं प्रभु, तारी प्रभुता अंतर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आनंद पड़ा है। जो अनंत भगवान को केवल ज्ञान आनंद प्रकट होते हैं, कहां से होता है? बाहर से आता है कोई चीज है? अंतर में पड़ी है भगवान तने खबर नहीं, अंतर पड़ी है चैतन्य ज्योत, उसमें से केवल ज्ञान आता है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ अनंत आनंद हुआ, इस सत पड़े पड़ा है, सत है उसकी रक्षा क्या एम के पाए। समझ में आया? नीली पेपर में 64 पौड़ी तिकास भरी है कि नहीं है? वो प्रकट होती है तो प्रकट होती है कि बाहर से आती है पत्थर से आती है? पत्थर से आवे तो कांकरा गिर डाले, कहां से आए? यहाँ है क्या उसमें? उसमें है, दाना में है 64 पौड़ी तिकास लीला रंग पर आया रहा सत है, तो मैं भी सत हूँ टिकाओ। सम्यक दृष्टि को मेरा सत है, केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद भगवान को जो प्रकट था वो सब पर्याय का पिंड में सत हूँ। समझ में आया? ऐसी दृष्टि को रखने वाले को अरक्षा का भाई कहाँ से हो सकता है? समझ में आया? वह तो स्वयं निरंतर अपना शुद्ध ध्रुव चैतन्य प्रभु ऊपर दृष्टि होने से निशंक बरता हुआ, अपने में निशंक बरता हुआ, निर्भय बरता हुआ, सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप चैतन्य ज्ञान इतना जानन सभा हो ज्ञान इतना पुस्तक पना नहीं, नहीं। जानन जानन जानना जानते जानते जो जानने का स्वभाव है वो स्वभाव ये मैं हूँ ऐसा अनुभव हुआ तो ज्ञान का ही वेदम ज्ञानी का है। उसमें रक्षा का भय है और रक्षा का भय है नहीं। सत्ता सर्व वस्तु का कभी नाश नहीं होता, समझ लिया बाबा? जो है ऐसी चीज का कभी तिनकाल में नाश होता नहीं। ज्ञान भी स्वयं सत्ता और वस्तु, आत्मा भी स्वयं सत्ता, ज्ञान शब्द आत्मा है। जानन 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 स्वभाव, जानते जानते ना स्व सत है, ये आत्मा है, राग आदि आत्मा नहीं है, शरीर आदि आत्मा नहीं, तो पर वस्तु है। समझ में आया? जानन 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 अनादिकाल से। समझ में आया? हाँ, भव क्रिया ने भव याद आया। आप भव क्रिया के नहीं तो भव में भी दरेक क्षण दरेक भव में जानन जानन तो रहा नहीं भाई। एक दृष्टान दिया विधो को, एक क्या धर्मशाला में चाहे दरिया परी हमें धर्मशाला नहीं, चाहे 90 साल में आता ना बहुत 3,000 मानस हमें धर्मशाला नहीं, तो भोजन शाला भोजन शाला हमें मानस एट बधु होते ओसरी भूली जाए तुम्हारे बधु ये ओसरी मोटा ने पाठ मूकी थी एटलू मानस थे आई ने आखो फोड़ दू 90 साल में 35 जाऊ मोटो એમાં એક આ દાખલો આપ્યો ફેસબુક થી, આ જીવ 90 સાલ ની વાત છે, આ જીવ જ્ઞાન સ્વરૂપ ત્રણ કાળ ને જાણે વાળા હે ભાઈ, પણ અપના જાણે વાળા અપને સેલ પ્રગટ ન કિયા તો જહા તહા ભવ ભ્રમણ મેં દ્રવ ક્ષેત્ર કા ધામ જાન કર જાન કર જાન કર જાન કર જાન કર જાન કર સ્વરૂપ કા જ્ઞાન કરતે હે સા, પણ હું સબ ઈચ્છા કર દે તો એકલા સ્વરૂપ ન હો જાય હે આ તો નથી માઇક ચાલતો નથી ચાલે છે એ બંધ છે
आत्मा है ने तो उसका खरेखर स्वभाव सबको जानने वाला है। अरे जानना जानना वो जा रहे एक ही साथ ही जानना अपने में रहने न हुआ तो जहाँ त्या भव करते करते भव का ज्ञान ये भव दूसरा 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 अनुभव करते करते अनंत ज्ञान हो जाते हैं उसमें। नेव निशानी बात से दोनों मानो थे त्रन त्रन हजार मानस हमें भोजन सामान पांचरी पांचरी हार जाऊ मोटो समूह सुन भरा तो आम थी निकले भेगा बता भग बना के आवाज सुन कर सके मरगड़ा आवाज शिव जी भाई शिव जी देखी नहीं ये समझ में आया। आत्मा कोई पण भव करते हैं तो भव का ख्याल तो है कि नहीं ये वक्त है ओ पची भले भूली जाए ये वक्त है शरीर से का उसका द्रव क्षेत्र का अभाव उसका ख्याल उसके है कि नहीं क्या शरीर है भव है हृदय है असुबंधी है अक्षेत्र है अकाल है तो ऐसा ऐसा ज्ञान करते बोले दूसरा भव में वो कहते बोले भूल जाते हैं दूसरे चीज में वो कहते भूल जाते हैं पर वो ज्ञान भूले नहीं एक साथ ले लो तो सबका जानने जाने रखड़ता रखड़ते जानने का इच्छा हो गया उसको रखड़ते रखड़ते बहुत ज्ञान कर दिया। समझ में आया लाल जी ये तो चतारी परम गाड़ी में दिखाई त्रिभोजन छे उत्तराधन लहाणी जंतु नो मानु सतंग कोई श्रद्धा ये वक्त तेने ये प्रमाण समझाए मजे समझे हूँ हम एक आत्मा प्रत्येक भव में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक काल वक्त प्रत्येक भाव में एने ज्ञान तो किया कि नहीं उसका तो सारा ज्ञान यहाँ देख लो कि कल वो भव का ज्ञान तो है कि नहीं अंदर हम विचार करते 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 समझ में आया। जब 80 वर्ष का आदमी है 80 वर्ष का वो 70 वर्ष की याद करते हैं कि नहीं 70 वर्ष की 70 वर्ष की याद कर सकते हैं नहीं तो ऐसा दूसरा कुछ 40 वर्ष की उम्र वाला हो तो वो 70 वर्ष की याद करे ऐसी ताकत नहीं है उसमें पर जो 70 वर्ष की याद करे तो वो भवा जाए बोला भाव दूसरा भाव जाए क्या क्या समझ में आया। 80 वर्ष नो मानस अपने नेमचंद भाई નેમચંદ કોઠારી હતા ને રાજકોટ ઓલા ગોંડો મોટી મુસું ઓવર ગુજરી ગયા 98 વર્ષ બાપ દીકરો બે વ્યાખ્યાન માંગેલા બાપ દીકરા ને 80 વર્ષ એને 98 વર્ષ બે આપણા હતા કોઠારી નેમચંદ કેટલું થયું કેટલું યાદ આવે છે કીધું કે લગભગ 8-10 વર્ષ ની વાત યાદ હતી 98 વર્ષ ની ઉંમર 8-10 વર્ષ ની વાત યાદ ત્યારે એને આટલી વાત યાદ આવે એ પણ આત્મા હે અને દૂસરા 40 વર્ષ ની ઉંમર હો तो भी आत्मा है वो भी उसके हम जिसको वो 90 वर्ष की याद करते हैं आने आत्मा में नहीं याद सकती है इतनी वस्तु तो दो ही है। वो जो 80 वर्ष में हम नाम गतकाल का विचार करने जाए तो आ भव पहले दूसरा भव पर आ जाए तरह 80 वर्ष का ज्ञान होता है उसको बराबर है पर मात्र उसका सब ज्ञान है उसमें समझ में आया। स्मरण में आता है कहां से आता है पूर्व भव का स्मरण आता है तो पूर्व पढ़ा है कि नहीं अंदर यहाँ था यहाँ था ऐसी शक्ति तीन काल को जानने की उसकी है समझ में आया। पर आए तो संसार है तो एक ख्याल करते हैं दूसरा भूल जाते दूसरा ख्याल करता आप भूल जाते ऐसा मैं आत्मा तीन काल के जानने वाला गिनायक हूँ ऐसी जहां दृष्टि सम्यक हुई तो कहते हैं कि मेरा तो कभी नाश ज्ञान स्वयं सत्ता रूप वस्तु ऐसी न ऐसी चीज जानन 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 स्वभाव सत्ता मेरी चीज है। ऐसा नहीं कि किसकी दूसरे के द्वारा रक्षा की जाए तो रहे अन्यथा नष्ट हो जाए ऐसी है। ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिए उसे अरक्षा का भय नहीं होता ये तो निशंग व्रता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञान का सदा अनुभव करता है। वो समझ में आ उसको निर्द्रा होती है हम कहते हैं अपना स्वरूप जो चैतन्य है ज्ञान आनंद अस्थि स्वभाव है उसकी जो अनुभव दृष्टि हुई तो उसको रक्षा का भय है निर्भय बरते हैं उसको पूर्व का कर्म टलते हैं न रात वो गलते हैं
અને શુદ્ધિ કી વૃદ્ધિ એને ધર્મ કહેતે હૈ, નિર્દ્રા કહેતે હૈ. સમજમાં આયા? તો લાગણીઓ કરે અપાર કે થઈ ગઈ નિર્દ્રા, પણ હજી ભાને નમણે તું કોણ છે, ક્યાં છે નિદ્રા હોય તમે? એ પણ ભાઈ એ બધું કર્યું છે કે નહીં પહેલું તમે કઈ? હે માનજે બધા જને કહો કાઈ નહીં, પણ તું કોણ છો તેરા ભાન વિના તને નિદ્રા ક્યાં હોતી હૈ? નિદ્રા કા અર્થ અપના શુદ્ધ સત્તા મેં જો ચીજ હૈ એસા આશ્રય કરી બિના સત્તા મેં નહીં, એસા રાગ ને કર્મ કા ડલના કેસે હોતા હૈ? ક્યાં ન્યાય ક્યાં શું કહ્યું? અપની સત્તા મેં પૂર્ણ જ્ઞાન આનંદ હૈ, એસી સત્તા કા સ્વભાવ કા ભાન હુઈ બિના ઉસકી સત્તા મેં નહીં એસા રાગ ને કર્મ, ઉસકા આશ્રય સત્તા કા કરતે તો રાગ ને કર્મ ડલતે હૈ. અરે સત્તા કા તો બાર નહીં રાગ કર્મ ડલતે ક્યાં સે આયા? જી સમજમાં આયા કે નહીં? હે મેરી સત્તા મેં મેરા હોવાનાપન મેં તો જ્ઞાન આનંદ શાંતિ આદિ વસ્તુ તો હોવાપણા કી દ્રષ્ટિ હોઈ અંતર કા અનુભવ હુઆ તો ઉસમેં નહીં હૈ ક્યા રાગ કર્મ, ઉસમેં નહીં હૈ. એસી દ્રષ્ટિ કા સ્વીકાર હો તો જીતના આશ્રય લિયા ઇતના રાગ ને કર્મ ચલ જાતે હૈ, ઉસકા નામ નિદ્રા હૈ. સમજે? સમજમાં આયા? જાય છે એનો અર્થ ગુરુ ચીજમાં હૈ નહીં. નિદ્રા કા તો કર્મ તોડતે હૈ તો અશુદ્ધતા નાશ હોતી હૈ, તો ઉસકા અર્થ એ હુઆ કે નિદ્રા કિસકો હોતી હૈ, કે અશુદ્ધતા કા નાશ કિસકો હોતા હૈ, કે જીસકી સત્તા મેં અશુદ્ધતા હૈ નહીં, એસી શુદ્ધ સત્તા કા અનુભવ દ્રષ્ટિ હુઆ તો સત્તા કા આશ્રય સે અશુદ્ધતા નાશ હો જાતી હૈ. સમજમાં આયા? અરે એસી સત્તા કા તો આશ્રય લ્યા નહીં, દ્રષ્ટિ ક્યાં નહીં, ખ્યાલ મેં લ્યા નહીં, અનુભવ ક્યાં નહીં, અને હમે નિદ્રા હોતી હૈ. ઓ માનો હમ સમજાય? સમજમાં આયા? નિદ્રા કા અર્થ ક્યાં? ઝરના ગૌના નાશ હોના. તો નાશ તો કિસકા હોતા હૈ? કર્મ કા. ગણના કિસકા? અશુદ્ધતા કા. તો પણ અશુદ્ધતા કા નાશ ને કર્મ કા ગણના મેં નિમિત્ત તો એ કાસે હોતા હૈ? કિસકો બસ અપા ક્યાં આખ્યા ને ઉસમે ઓ વસ્તુ કી સત્તા કા પાત્ર હૈ નહીં. સમજમાં આયા? અપની સત્તા શિખાવ શુદ્ધ ચૈતન હયાતિ જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ આનંદ હૈ, એસા સત્તા કા હોના રહેને વાલી ચીજ કા તો સ્વીકાર નહીં, પીછે નહીં રહેને વાલી ચીજ કા નાશ કેસે હોતા હૈ? સમજમાં આયા? નહીં હે આપણે ભાઈ હીરાભાઈ કહ્યું, હીરાભાઈ ઢીલા પડી ગયા થોડા પર. ઓ સમજમાં આયા? કઈ અપેક્ષા વાત આવતી? હા ભગવાન આત્મા. સમજમાં આયા? એ છે જ્ઞાન કા ઉસે રક્ષા કા ભાઈ વસ્તુ ભાઈ કહાં સે આયા? વક્ત તો નિશંક વર્તતા સ્વયં અપને મેં સ્વાભાવિક જ્ઞાન કા અનુભવ કરતા હું, ઉસકા અર્થ એસા હૈ કે નિદ્રા અનિદ્રા કા અધિકાર હૈ, આ બાત ક્યું લિયા ઉસમે? સમજમાં આયા? જિસકી દ્રષ્ટિ મેં ભગવાન આત્મા જ્ઞાન શાંતિ કા સાગર પ્રભુ આત્મા, ઉસમેં સે શાંતિ શ્રદ્ધા વિશ્રાલતા ઉસમેં સે આતી હૈ, તો જિસમેં સે ધર્મ પર્યાય આતી હૈ, વો ધર્મ મેં જો વસ્તુ હૈ એસી વસ્તુ કી દ્રષ્ટિ કા અનુભવ ન હો તો ઉસમેં હૈ ઉસકી રક્ષા કેસે હો, અને ઉસમેં નહીં હૈ ઉસકે ગલના કેસે હો? સમજમાં આયા કઈ ભાઈ? પુનલભાઈ આ નિર્દની વ્યાખ્યા કર્યા માં તો સત્તાવીસ ને સત્તા વર્ષો ના કભી નાશ નતા ઉલટા ક્યાં નાશ હોતા હૈ તો રાગ કે નહીં કા
मैं तो सत्ता शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसी दृष्टि हुई बिना मेरा स्वाभाविक ज्ञान ध्रुव सत्ता है ऐसा स्वीकार बिना, उसके आश्रय बिना, वो अशुद्धता जिसका आश्रय नहीं वह उस वस्तु में नहीं, उसकी निद्रा कैसे होती है? राम जी कैसे होती उसके भी गलेगा। भगवान आत्मा शरीर ना रजकण सदभिन्न है, आत्माती है, कर्म अंदर है वो रजकण है, अजीव है वो, दूर है पर है। आ तो बड़ी बाहर रह गई, क्या है अब आई छोकरा पैसा मकान मकान तो क्या नजीरा बाहर रह गया, ये तो कहीं नहीं अंदर। अरे रहो विकास शुभ सुभाव दया दान व्रत कुल भाव से हिंसा जो रूपा तो ये विकास है, ये विकास स्वभाव में से जो स्वभाव में चटोरे के तो ताली ने भगवान विकराग थी गया, विकराग हो गया, उसका अर्थ क्या हुआ कि विकार उसमें नहीं, तो नहीं है तो है क्या? एक इला ज्ञान आनंद आदि स्वभाव उसमें है, पूर्ण स्वभाव है, पूर्ण स्वभाव है, ऐसा अंतर में स्वीकार निर्मित प्रतीति हुई, तो इस स्वीकार में रक्षा किसकी कहते, भय किसका, समझ में आया? तो क्षण में अशुद्धता जो उत्पन्न पहले थी ये अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती, नाश हुआ, और उस संबंधी कर्म भी नाश हुआ, उसमें है नहीं, नाश होता है, है उसकी रक्षा होती है, समझ में आया? अगुप्ति भाई का काल कहता है 158 कवर स्वम रूपम रूपम किल वस्तु नो अस्ति परमागुप्ति स्वरूपे नाय शक्त कोपी पर प्रवेश अकृतम ज्ञानम स्वरूपम सनु अश्यक गुप्ति यतो न कांचनम भवेत तद्भी कुतो ज्ञानिनो निशंकं सततं स्वयं च सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। वास्तव वस्तु का स्वरूप ही निज रूपी वस्तु की परम गुप्ति है, फायदा है। भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप है, वो गुप्ति है, ये वही गुप्ति है अपने में रहा। वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ति, ये गुप्ति है। हाँ गुप्ति नहीं कहते, वो लाकड़ा में रखते नहीं, हथियार हथियार गुप्ति नहीं कहते, वो लाकड़ा में रखते। हाँ हम लाकड़ी हो जरूर पड़े तो मैं ओरिया गुप्ति राखे एट को हथियार करो, आम लाकड़ी हो आत्मा एम जाने पर अंदर पुली माँ गुप्ति हथियार होता है, ऐसा लोहा का ऐसा तीक्ष्ण उग्र हथियार होता है, तो लकड़ी ऐसी हो चूंकि भाई शीशम 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 की लकड़ी में अंदर पुलाड़ में हथियार रखते हैं, बाहर मात्र लकड़ी होती हम दिखे और अंदर में वो भयन क्षत्रिय आदि तिखा जिसका वीडियो वो ऐसा रखे, कोई वक्त ऐसा मानस आ जाए तो उसमें से निकाल कर मारे। गुप्ति अंदर में पड़ी है, अंदर में है वस्तु है, उसकी रक्षा क्या, उसकी गुप्ति क्या, गुप्ति गुप्ति में है। भगवान आत्मा अपना निस्वरूप में है, वही गुप्ति है उसकी। समझ में आया? वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही निज रूप ही निज रूप, भगवान का आत्मा का निज रूप निज स्वरूप, जानन देखन आनंद अस्ति स्वच्छता, ऐसा आनंद गुण रूप अपना निज रूप ही अपनी गुप्ति है, एक गुपेली चीज है, उसको कोई रखे तो नहीं तो कोई नाश हो जाए ले जाए, भाई गुप्ति करते ना किला बिला नहीं, कोई किला करो मजबूत नखो आ मकान बनावे से अमुक कितना हरिया नाखो और वैसे ना होशियार मान बता माने मकान बनावे माँ अमुक कितना बोले दादा हूँ कह दौड़ी इतना हूँ कहीं कहते हाँ दौड़ी बे चूला गाड़ा पातला हो तो लोग चोरा विना आम कर मर जाए अंदर
એટલે મજબૂત. અને પછી મજબૂત નહીં, બે લાકડામાં ઊંચું નાખે, વધારે હેઠે થોડું થોડું નાખે તો મળી નાખે. એટલે બહુ લાકડા એવા હોશિયાર માણસ હોય ને, કે લાકડા હોય ને ઊંડા, એમાં ચાર તો નાખી જાય, ચાર તો ઊંચે, અને બે ઇંચ ના જાડા જાડા સમજશે ને, મોટા ઘટ, તો એમ કે આપડી રક્ષા હોય. હવે વાંધો નહીં, સિંહ બી ચારી કોર ફરે તો હવે હરકત નહીં. એ માનતે ને, ખુલ્લી ચીજ હોય તો ખુલ્લી જાયગા. સમજ માં આયા, ગુપ્તી કરો, ગુપ્તી કરો, કિલ્લા બાંધો, એસા કરો. અહીં તો કે કિલ્લા બાંધી લઈએ, અપના શુદ્ધ સત અનાદિ અનંત ચૈતન મૂર્તિ પ્રભુ અપના સત ને અપના કિલ્લા ને રહીએલી ચીજ હે. સમજ માં આયા? ક્યોકે સ્વરૂપ મેં કોઈ દૂસરા પ્રવેશ નહીં કર સકતા. ભગવાન આત્મા જ્ઞાનંદ સ્વભાવ, ધ્રુવ સ્વભાવ, ઉસમે રાગ કા ભી પ્રવેશ નહીં. આ વસ્તુ ધ્રુવ ચૈતન મૂર્તિ અપના નિજ સ્વરૂપ હૈ. એસી જ્યાં દ્રષ્ટિ સંયક દ્રષ્ટિ હોઈ તો ધર્મી માનતે મેરા સ્વરૂપ મેં તો રાગ કા પ્રવેશ નહીં, દૂસરી કોણ પ્રવેશ કર જાય મેરે રક્ષાઓ નિયમ છે. આવી ચીજ એસી હૈ મૂળ તો ધ્રુવ સ્વભાવ કા સ્વીકાર મેં સે વો નિર્દ્રા હોતી હૈ વો કારણ સે વો સિદ્ધ કરના હૈ. મેં તો ગુપ્ત હું, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ આનંદ એસી ચીજ એસા હૈ, એસા હૈ, એસા હૈ. ગુપ્ત કરું તો રે, કિલ્લા કરું તો રે, નહીં તમને એસી ચીજ હે નહીં. એ ધ્રુવ વસ્તુ આમ હે ને, એક રૂપ શિખા ધ્રુવ ધ્રુવ સત 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 શિખાર સત હે ને, આદિ હૈ ઉસકી ચીજ કી અંત હૈ, એસી અનુશક્તિ કા ધ્રુવ હૈ ને. ऐसा ध्रुव नित्य रहने वाली की चीज पर दृष्टि देने से है, जो अनुभव का कायम ज्ञायक भाव ऐसा ऐसा है, ये गुप्त ही है. समझ में आया? हमें तो धर्म कैसे होता है, धर्मी को क्या होता है, दो ही बात आती है. आया? धर्म होता है कि ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करने से, और क्या होता है कि परम सत्ता का स्वीकार की दृष्टि में उसमें नहीं वो चढ़ जाता है, उसका नाम धर्म है. हाँ, वास्तविक परमात्मा केवली फनंतो धम्मो शरणम बोले खरा महादेवा, अजंता शरणम सिद्धा अर्थ नहीं कहा खबर नहीं. वहां तो बराबर से भाई પેલા બધા પણ એને ખબર તો પડે ને, તુલના તો કરશે કે નહીં, કે મારી વાત તો બરાબર લાગે. અર્થ નહીં આવડે કીધું ને, એ કઈ કઈ લીમડીમાં વાંગ્યા હતા, દહાવ્યા ને તકરાર હતી ને, દહાવ્યા ને તકરાર, દશા અમારા દહાવી વિશ્વાસ મારી વાંગ્યા, અમારા ખીમચંદ માં વ્યાસ મારી છે, રામ દશ માંગ્યા નાખ, પણ એ નાચ કહેવાય છે. એક બાર થી ઓળખાવા અમને, એમાં બે ને તકરાર પડી, તો એક દાસમાળી બાઈ હતી ડોસી, એ વિશાસમાળી વિરુદ્ધ થયેલું, પછી લોગસ બોલતી હતી, લોગસ ચૌત્ર થઈને સ્તુતિ આવે છે ને, એટલે એમાં વિહુ હૈ મવા પહેણ જર્મ રણા એ શબ્દ આવ્યા. ભાન મળે કઈ બિચારા, ઓલી હોય રાખ્યું હોય ને ઓલી ઘડિયાળો ન્યા નજર પૂર્ણ થાય, હું ખેતી એમાં એ બોલ્યા. એક આવે છે આપણે આવે છે સામાયિક માં દિગંબરમાં, વિહુ એ રહી મળા, એટલે ઈ બાઈકે વિહા રોય મળ્યા. માણસ કે આ શબ્દ અહીં કે છે, અહીં તો તીર્થંગ ની સ્તુતિ છે, આ તો ભગવાન તો લોગ સ્વભાવ જોઈએ, ગરી ધમતી થઈ જેને અરિહંતે કી તઈ સંગ, આ તો ભગવાન ને પવિત્ર સંઘ નું સ્તવન છે, આ તો એમાં વિહા રોય મળે કે થયું, આવું થયું કે વિશ્વાસ મારી અહીં નાચે ને, એટલે તકરાર વિહાર મેં એટલા જુઓ તો ખરા, એમાં કેમ થયા એમાં એની ખબર ન મળે. આ તો વિહુ રય મળા, એ તો અરે પરિક્રમા નું ભાન ન મળે કઈ. હે પ્રભુ, હે વિતરાગ દેવ, આપે વિહુ વિ વિશેષે હું નામ ધૂ થાય છે, વિશેષે ધૂ ટાયા છે,
વિશેષ કરીને ધોઈ ટાળ્યા છે. રજમળા વિહુય રજમળા, રજ એટલે આઠ કર્મ ની રજ ઝીણી જે છે, આ નિદ્રાના અધિકાર માલે છે ના, આઠ કર્મ ની રજ છે અને રજ કે છે. અને મળા પુનપાપ નો મેલ વિકલ્પ ઉઠે છે તે મળ છે, એ ભાવ કર્મ છે. દયાદાન વ્રત કામ ક્રોધ નો વિકલ્પ વૃત્તિ ઉઠે ભાવ કર્મ મેલ છે. અને જળકર્મ રજકર્મ ની રજ છે, એ આપે રજ ને મેલ ને ટાળી નિર્મળ ને અસ્થિર થઈ ગયા. હે અર્થ નું કઈ ભાન, અર્થ ની ક્યાં ખબર કઈ છે. આ બે ઘડી જીયા માથે કે હા હા ગાલી નીકળ્યા, થઈ ગયો ધર્મ સમય કરી આવ્યા. એ ભુંડભાઈ 55 વર્ષ શું કર્યું તું? હા કે છે ભાઈ, જે તેરે કાલના હૈ ઓર જે તેરે રાખના હૈ વો કોઈ ચીજ હૈ ક્યા? ये खबर है तेरे, ये तेरे नाश करना है और जो तेरे रहना है अथवा तेरे रखना है वो क्या है? समझे, तेरी खबर है कमी? लेकिन नाश करना है क्या? पुण्य पाप का भाव, कर्म नाश तो जड़ है, वो तो उसके कारण से नाश हो जाते हैं कि नाश करना है तो परद्रव्य है. रखना क्या है, लेना क्या है? कि शुद्धि, तो शुद्धि नाम पवित्रता. तो पवित्रता कहां से आएगी? पवित्रता नो भंडार भगवान है अंदर में. ऐसी पवित्रता का पिंड उसकी दृष्टि होने से ज्ञानी को अपवित्रता का परिणाम का नाश होता है, और उसको निर्द्रा कहते हैं. उन भाई विकल्प राग है दोई, उनके पाप भी दूर है, मेल है, मेल थोड़ा दूर है. भाव कर्म है ना, पहले कहा कि नहीं, शुभ राग है वो. लोगों को खबर विकल्प उठते हैं ना, मैं दया पाऊं, मैं उसको करूं, ऐसा खाऊं, ऐसा न खाऊं, पास करूं, वृत्ति उठते. वृत्ति नाम शुभ भाव है, शुभ भाव भी मेल है, अनुबंधक है. आत्मा का स्वभाव नहीं, भगवान ने पुण्य कहीं नहीं, पूर्ण 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 विद्राग थे, सिद्ध भगवान पूर्ण विद्राग थे. समझ में आया? आ पूर्ण फल आरंभ था, एली मोटी प्रसरा दर्शन में आओ प्रभु नो महाराज. पण कोण जाने खबर न कि पुण्य लईने भगवान था केवड़ी केवड़ी ज्ञान था पुण्य ने. એ તો તીર્થંગ પ્રકૃતિ નું પુન છે, કેવળ જ્ઞાન થયું ત્યારે પુન ઉદય. આ તો સંભવ શરણ એ આવી હોય, એમાં આત્મા ક્યાં આવ્યો? ઉસમે આત્મા ક્યાં આયા? સમજમાં આયા? પુન ફળ અંતા, પુનના ફળ મેં તો કેવળી થાય, કેવળ જ્ઞાન થાય. ઠીક ભાઈ, હે ક્યાં? એ તો ક્યાં ક્યાં આવ્યો ઉસમે? वो तो ऐसा कहा है कि अपना शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अंतर में एकाग्र होकर केवल ज्ञान पाया, तो पूर्वे जो तीर्थंकर प्रकृति बंदी थी उसका फल समोसरण आदि आया. वो तो सभा की क्रिया चीज है, उसका केवल ज्ञान के आत्मा तुमसे आत्मा की प्राप्ति हुई है. बने तो भाई पुण्य ऐसा है तो उसको कह रहे हैं ऐसा. तीर्थंकर जैसी प्रकृति का है तो जैर पाव नहीं तो 148 प्रकृति कोई जैर का फल किया विष पाओ विष स्वरु नहीं चाहे. 148 प्रकृति तीर्थंग प्रकृति को विष स्वरु कहा. यहाँ क्या अमृत है? आत्मा तो अमृत स्वरूप वहीं आए. समझ में आया? अमृतानंद प्रभु यानी अमृत ना अंजन थी अंज कर શું કહેવાય? આંખી કરે શું કહે? સલાખા અંજન ભગવાન આત્મા ચૈતન અમૃત કા પિંડ પ્રભુ હૈ ભાઈ, તને ખબર નથી? અતિન્દ્રિય આનંદ કી મૂર્તિ આત્મા હૈ, ઉસકી અંજન કર અંદર અંજન, આંખ ખોલ દે અંદર, સલાખા લગાવ દર્શન જ્ઞાન ચારી તક. भगवान आत्मा शुद्ध चैतन है, ऐसी दृष्टि हुई चाहे उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं. तो ये सम्यक दृष्टि को अपनी पूर्ण सत्ता का स्वीकार में कहते हैं वस्तु की परम गुति मेरी है, मेरा मैं तो कोई का प्रवेश. दयादान हूँ तीर्थंगोत्र जो भाव है वो भाव का मेरे में प्रवेश नहीं, वो तो विकार है.
समझ में आया? मेरे में कोई का प्रवेश नहीं, मेरे गुप्ती कैसे करनी? ये तो है ही, गुप्त तो है, गुप्ती राखू तो रहे, नहीं करना ऐसा है। अकृत ज्ञान, देखो भाषा, किसी के द्वारा नहीं किया गया, स्वाभाविक अक्षर और करे लूंगे। ज्ञान शब्द जैम साकर गल मिठास है, ऐसा आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान इतने ज्ञान स्वरूप अकृत्रिम है, कोई करी नहीं है ये चीज, कोई बनाई नहीं है, कोई ईश्वर मिश्र करता है नहीं, वो तो अनादि अकृत्रिम वस्तु है। ज्ञान एक वस्तु, ज्ञान एक वस्तु, ज्ञान एक वस्तु, देखो अकृत ज्ञान, अकृत ज्ञान, ज्ञान शब्द आत्मा अकृत है, कोई से करा हुआ स्वयं से अकृत, किसी के द्वारा नहीं किया, ऐसा पुरुष का आत्मा का स्वरूप, ऐसा आत्मा अकृत ज्ञान पुरुष का स्वरूप है, हम कहते हैं पुरुष शब्द आत्मा, आत्मा का स्वरूप है ज्ञान, ज्ञान जान ले, जान ले, समझ में आया? इसलिए आत्मा की किंचित मात्र भी अगुप्तता न होने से मेरा स्वरूप ही ज्ञान है, उसमें अगुप्तता वाली कैसी, मैं तो गुप्त रूप ही सिखा। ज्ञानी को गुप्ती का भय कहां से हो सकता है? वह तो स्वयं निरंतर निरंतर शुद्ध चैतन्य की दृष्टि होने से, निरंतर अपना स्वभाव का आश्रय होने से निशंग वर्तता हुआ, वो वितराग भाव है तो उसमें निशंग रहते हुए सहज ज्ञान का सदा अनुभव करते हैं। स्वाभाविक ज्ञान का अनुभव करना, उसका नाम निर्द्रा। अरे भाई क्या तो बोला तो कई गप्पा करे, मैं बोले पाओ पर एक पारण एक पौषी चढ़ाए तो अठम नु भाव, बोले अठम करे ने एक पौषी चढ़ाए तो बोले कितो लाग कई कह बोल पची अपा नो फला भूल में थी हमें ने सारा बना कर से बदी है एम से धूल में यू नहीं ना निंद्रा मानता था तेरे पापन छोड़ा नहीं हाँ एम को ये धर्म मानता हवा बता फरी गया ये धर्म ही मानता बाप ना करे पुण्य करे पुण्य करे ने धर्म मानता है पुण्य छे धर्म नहीं धर्म तो पुण्य पाप ना स्वभाव एना थी भिन्न चैतन महास्वभाव चैतन प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर है जे सर्वज्ञ पद प्रगट करूं प्रगट किया वो ही मेरा स्वभाव है मेरा स्वभाव में से सर्वज्ञ पद मेरे में से आने वाला है कोई राग की क्रिया के निमित्त से आने वाला ऐसी मैं चैतन्य मूर्ति भगवान हूँ ऐसी दृष्टि सम्यक दृष्टि की होती से है उसको अगुप्ति का भय कहां से होता भावा गुप्ती जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके यानी गुप्ती कह रहे हैं मकान वो पाका बनावे भैरू भैरू पाको बनावे कोई प्रवेश न कर सके यानी गुप्ती कहवाए ऐसा किला भया भयू सुने तल धर है कह तल धर हेठे घर तल घर नीचे तला में घर इत्यादि उसमें प्राणी निर्भयता से निवास करते हैं अपने क्या मालूम नहीं चोरी थी जेठा भाई निकली जेठा भाई होता था बर्तनदार था प्राण जोड़े मकान थे खेती था क्या मकान मकान ना तो खेतर था खेतर अनाज चोराया रहते कांटा न वाड़ी थी कांटा ना वाड़ी में गोजड़ा ना क्या गोजड़ा समझे मकान चढ़ू सीट के अंदर કારણ કે ચારુક મકાન માં બધું હવે તો બધું કાંટા હતા કાંટાની વાડ તો વાડ મેં નાખના તો ગાદલા નાખી ગોડું નાખી પોતાનો ગયા અંદર ખડખડાટ થયા પાકા જેઠાભાઈ જાણે જેઠાભાઈ હતા રુબન મહેન ભાઈ એ કઈ ખડખડાટ પણ અવશ્ય કે આપડે તો પાકા મજબૂત છે ને ફરી આમાં કોઈ આવે એવું પણ ઓલા નિરાતે ગણી તંગ લઈ ગયા હવે વળી એટલે ખકડાતો હતો પણ આપણને તો એમ કે પાકા તરિયા પાકા છે હવે અહીં તે કોણ આ ખેતર છે અહીં તે કોણ પણ તંગ લઈ ગયા આ મકાન માં નથી અવતાર માંથી ઘણા વર્ષ થઈ જાવ જાણો કોણ એને આપણે તો પાકા મકાન છે આમાં વળી કોણ પ્રવેશ કોણ કરી શકે ને એમ ધારી નીચે ઉતાર હવારી જાય ગયા તાર ખબર પડી ઓ આટલો તંગ ગયો ભાઈ
હે ક્યાં પાકો માયનો હતો પાકો હતો ક્યાં પાકો તો અંદરમાં છે હા પાકો તો આત્મા જ્ઞાન શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય પ્રભુ છે જેમાં કોઈ કા પ્રવેશ નહીં સમજાય છે કઈ એસા કિલ્લા ઇત્યાદિ પ્રાણી એસા ગુપ્ત પ્રદેશ ન હો ખુલ્લા સ્થાન હો તો ઉસમે રહેને વાલા પ્રાણી કો અંત કા કામ ભય રહેતા હૈ અંધારો ને અંધારો તો આમ એકલો માણસ બેઠો એકલો તો આમ દેખાય નહીં સાચું ચારે બાજુ મકાન દીયા હોય પછી મજબૂત હોય પછી સિંહ બી આવે ભય ન રહે એ માને ને માને છે ને જ્ઞાની જાણતા વસ્તુ કે નિસ્વરૂપ મેં કોઈ દૂસરા પ્રવેશ નહીં કરતો ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય ધ્રુવ અનાદિ અનંત સ્વરૂપ સત્તા ઉસમે પર કા પ્રવેશ વસ્તુ કા સ્વરૂપ વસ્તુ કી પરમ ગુપ્તી અભેદ કિલ્લા હૈ અભેદ કિલ્લા ભગવાન આત્મા અભેદ કિલ્લા કોઈ સે ભેદા જાય એવા મેરા આત્મા એસી દ્રષ્ટિ હોઈ ઉસકો નિદ્રા હોતી એમ કહેતે હૈ પુરુષ કા ને સુનના પુરુષ કા આત્મા કા સ્વરૂપ જ્ઞાન હૈ ઉસ જ્ઞાન સ્વરૂપ મેં રહો આત્મા ગુપ્ત હૈ અપના જ્ઞાન સ્વરૂપ મેં ગુપ્ત હી હૈ જ્ઞાન જ્ઞાન મેં દ્રષ્ટિ રખા હૈ અપના સ્વરૂપ કી સંભાળ લિયા તો અપને મેં હી ગુપ્ત હી હૈ કોઈ પર પ્રવેશ ઉસમે કર સકતે હૈ એસા જાનને વાલે જ્ઞાની કો અગુપ્તતા કા ભય કહાં સે હો સકતા હૈ वह तो निशांक में चैतन्य मूर्ति ध्रुव अखंड आनंद स्वरूप ऐसी ऐसी चीज अनादि से है ऐसी मैं वर्तमान में भी हूं समझ में आया सात मिनट में भी इतनी इतनी वेदना इतना खंड हुआ है उस समय को खंड हुआ है ऐसे एक समय की परी है मेरा आज निशानी में वस्तु तो वस्तु है સાત મેં નરક મેં અનંત બેર ગઈ અનંત દુઃખ સાત મેં નરક તેત્રી સાગર અનંત બેર ગઈ વસ્તુ કેસી ને છે નાય તો એસા ને એસા રહા હૈ આવેદન ભાઈ પ્રવતન સા બહેન ગત હા એસા ને એસા વસ્તુ કેસી અદ્રશ્ય અનેક પ્રકાર કરતે મેં રાગ હું મેં દ્વેષ હું મેં શરીર હું મેં નાશ તો માનતા હું ભી કરતે વસ્તુ કેસી ને ચૈતન્ય ધ્રો मेरे में कोई का प्रवेश है नहीं तो मेरी रक्षा करूं तो मैं रह नहीं करना ऐसी चीज है नहीं निशंग बरतता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप स्वाभाविक ज्ञान इतने आप जान पाए अंदर ज्ञान स्वरूप स्वाभाविक ज्ञान गुण गुण सेवा प्रकार उसका निरंतर अनुभव करता ऐसी कायम दृष्टि अंदर में है वो कारण से उसको अज्ञानपणे बंधा कर्म और मलिनता की पर्याय जो होती है मन पुराते हैं उस स्वभाव का शुद्ध स्वभाव का आश्रय से निद्रा होती है अपना निज स्वभाव की सत्ता का स्वीकार में आश्रय बिना कभी कोई को निद्रा कर्म का नाश या मलिनता का नाश कभी होता नहीं वो यहाँ बताते हैं विशेष बताते